हाई एवरी आई एम शिल्पी वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे कि हम सबको पता ही है कि अभी फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है एंड हम सभी को चाहिए प्यारे प्यारे सूट के कलेक्शन बहुत सारे लोगों को कॉमेंट आया था मेरे वीडियोज़ पर तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाते हैं आज पाकिस्तानी सूट्स इतने ज़्यादा इन हैं इतने ज़्यादा यू नो ट्रेंडिंग चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अफोर्डेबल पाकिस्तानी सूट्स हॉल बनाते हैं आज मैं लेके आई हूँ पाकिस्तानी सूट्स फ्रॉम एमेजोन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के होने वाले हैं एंड साथ ही साथ मैंने आ, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ समर्स को ध्यान में रखते हुए सारे सूट्स पिक किए हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी एंड कोई ना कोई सूट तो आपको पसंद ज़रूर आने वाला है तो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना जिनको भी जरूरत हो इस वीडियो की तो so चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मैंने ना टोटल टोटल सिक्स और सेवन आई थिंक हाँ सेवन कुर्ती कुर्ता सेट्स परचेज किए हैं एमेजॉन से मैं वन बाय वन पिक करने वाली हूँ एंड आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहला जो कुर्ता सेट है वो है दिस वेरी ब्यूटिफुल पिंक एंड वाइट कलर में कॉटन मटीरियल का है एकदम सॉफ्ट वाला जो कॉटन होता है ना उस वाले मटीरियल का है सब के लिंक और प्राइसेस ना मैं डिस्क्रिप्शन दिस्क्रि बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही साथ ना यहाँ पे फोटोज वगैरह जो भी ब्रांड वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको मैंशन हो जाएगा प्राइस क्या है एक्चुअल एंड किस प्राइस पर मैंने परचेज किया है ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और साथ ही साथ लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग चेकआउट कर देना तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले कुर्ता सेट से तो पहला कुर्ता सेट जो है वो पिंक कलर का है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है यार पहनने के बाद इतना मस्त इसकी फिटिंग आई है कि मैं क्या ही बताऊं ऐसा लग रहा था कि मैंने टेलर मास्टर से इसको अपने लिए बनवाया है तो सबसे पहले हम लोग इसका कुर्ता देख लेते हैं कि इसका कुर्ता कैसा है कुर्ते में ना ओवरऑल आपको इस तरीके की कलमकारी प्रिंट मिल जाएगी इसकी जो स्लीव्स है ना वो बेल स्लीव्स हैं यहाँ पे थ्री फोर स्लीव्स है और नीचे से आपको इस तरीके की बेल स्लीव्स मिल जाएंगी जो पहनने पे बहुत ही सुंदर लाइक यूनिक स्लीव्स आते हैं इसके और इसका जो नेक का पैटर्न है ना वो वी नेक पैटर्न है एंड ये कुर्ती ना प्रॉपर लॉन्ग जैसे पाकिस्तानी कुर्ती लूज लूज होती है ना लूज फिटेड वैसी वाली कुर्ती है एकदम मस्त वाइब देती है समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है आप इसको कॉलेज में पहन के जा सकते हो ऑफिस में पहन के जा सकते हो इवन आप इसको फेस्टिव सीजन में भी पहन सकते हो लाइक like अभी रक्षाबंधन वगैरह आ रहा है अगर आपको बहुत चटक पटक कलर पहनना नहीं पसंद है सटल सा कलर पसंद है अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो इवन आप शादीशुदा हो तो भी आप इसको कई सारे ओकेजन में स्टाइल कर सकते हो जैसे कि मैंने स्टाइल किया आपको दिख ही रहा होगा एंड इसमें ना कलर बहुत ही ज़्यादा सटल है पिंक ग्रीन हर सारे कलर्स का मिक्स है और इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत ही सुंदर है बिल्कुल छूटने वाला प्रिंट नहीं है इसका प्रिंट ब्लॉक प्रिंट है लाइक जो अच्छा वाला प्रिंट पेंट है वैसा वाला है अभी वो अभी वो तो धुलने पे ही पता चलेगा कि ये कैसा होने वाला है एंड अगर मैं इसकी ब्रांड की बात करूँ तो इसके ब्रांड का नाम है क्लोसिया के एल ओ एस आई ए ऐसा कुछ करके ब्रांड है अमेजोन से मैंने लिया था इसका साइज है मीडियम और जो इसका एक्चुअल प्राइस है एमआरपी प्राइस वो है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन की तीन हजार का है ये अंदर ही पड़ा है जो स्क्रीन पे एक्चुअल प्राइस होगा वो आपको दिख रहा होगा बट इसकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से ना ये तीन हजार का भी मतलब बहुत महंगा नहीं है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिल जाएगा और साथ ही साथ पैंट भी मिल जाएगा पहले हम लोग पैंट की बात कर लेते हैं तो पैंट ना एकदम सिगरेट पैंट है Uh, सलवार की तरह स्ट्रेट पैंट एंड इसमें इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड मिल जाएगा इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है ब्लेंड भी नहीं है प्योर कॉटन मटेरियल का है एंड इसमें ना पूरी स्ट्राइप्स की इस तरीके से डिटेलिंग दे रखी है पीच कलर में पीच पिंक कलर में एंड इसका जो दुपट्टा है ना वो कंट्रास्ट में है लाइक जो जिस तरीके का प्रिंट आपको सलवार में आ, सूट में मिलेगा लाइक कुर्ता में उसी तरीके का इसमें भी प्रिंट मिल जाएगा इसका मटेरियल ऑरगिंजा फैब्रिक में है बहुत ही फाइन ऑरगिंजा है अच्छा वाला उस तरीके से है मुझे ये ओवरऑल जो सेट है बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा तो so गाइज जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कुर्ता सेट कॉटन के जितने भी सेट्स हैं ना वो मेरे फेवरेट हैं क्योंकि कॉटन ना मुझे समझ में स्पेशली पहना बहुत ज्यादा पसंद है तो कॉटन का जो ये सेट है ना ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है ब्लैक कलर में है अफगानी स्टाइल में इसका सलवार है एंड सूट भी इसका अफगानी स्टाइल में है लुक एट दिस इसका आ, नेक पैटर्न ना एकदम मतलब में, मस्त सा जैसे अफगानी स्टाइल में होता है ना वैसा सा है यहाँ पे आपको का, कावरी सेल्स की थोड़ी डिटेलिंग मिल जाएगी इसके ना तीन कावरी सेल्स निकल गए हैं अपने आप ही जब मैं ट्राई ऑन कर रही थी तो सो वो आप ध्यान में रख सकते हो लाइक स्टिच करवा सकते हो इसका जो स्लीप्स है वो फुल लेंथ वाला स्लीप्स है इसका मटीरियल बहुत ही सॉफ्ट कॉटन मटीरियल है एंड इसका जो लेंथ है ना वो अफगानी जैसे सलवार सलवार के साथ रहता है ना उस तरीके का लेंथ है अच्छा अच्छा खासा लेंथ है साइज में मीडियम है है मेरा और इसका इसका जो ब्रांड है वो है दिवेना करके ब्रांड है Amazon पे आपको मिल जाएगा कुर्ता सेट जो कि मुझे वर्थ लगा बट ये मुझे आई थिंक टू थाउजेंड के अंदर या थाउजेंड uh, या टू थाउजेंड के अंदर ही मिला होगा यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाएगा रियल प्राइस एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी पहनने पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल है ना फुल स्लीव्स का है बट फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत गर्मी लग रही है उसको पहनने में और कलर तो बहुत ही प्यारा है ही है इसका जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा लुक एट दिस एकदम सटल सा ब्लॉक प्रिंट है इसको भी आप अगेन कॉलेज में ऑफिस में या फिर फेस्टिव सीजन में पहन सकते हो डेफिनेटली अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो और ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है ही इसका जो पैंट है ना वो यूनिक है लाइक अफगानी पैटर्न में जैसा चला है ना सलवार आजकल वैसा वाला ये सलवार है मुझे इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा लगा अच्छा आया लाइक मीडियम साइज़ ना एकदम मेरे साइज़ पे ही आया है बहुत बिल्कुल भी इधर उधर इसका साइज़ नहीं है बिल्कुल भी लूज नहीं है ना टाइट है एकदम सही फिटिंग आई है इलास्टिकेटेड बैंड है तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं मिले हैं मुझे इसमें भी नीचे भी आपको ब्लॉक प्रिंट्स मिल जाएंगे जैसे आ, आ, मतलब सूट पे था वैसे ही सलवार में प्रिंट है सो so, इसको भी आप डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो बोहो तो जुली के साथ अगर आप इसको पहनोगे ना तो आप इसको फेस्टिव आ, सीजन में स्टाइल कर सकते हो आप चाहो तो इसको कॉलेज पहन के जा सकते हो साथ ही साथ आप इसको ऑफिस वेयर में भी यूज कर सकते हो सो ये बहुत ही ज्यादा पीस है अगर आप एक लेना चाहते हो कुर्ती तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो लाइक अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है पहनना या सलवार सूट पहनना तो आप इसको मटीरियल अच्छा तो ना जॉर्जेट मटीरियल है तो इसमें आपको गर्मी लग सकती है क्योंकि ये ना मोटा वाला जॉर्जेट है सो तो इसमें आपको गर्मी लगने की प्रॉब्लम हो सकती है प्लस चिकनकारी है और साथ ही साथ इसके अंदर लाइनिंग भी है तो उसकी वजह से और मुझे पहनने में थोड़ा गर्मी लग रही थी इसको बट आ, आप इसको फेस्टिव सीजन के लिए कंसीडर कर सकते हो मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा बस एक प्लस पॉइंट मतलब माइनस पॉइंट है इसका जो इसमें गर्मी लग रही थी एंड इसमें ना चिकनकारी का वर्क दे रखा है वाइट कलर में लुक एट दिस नेक की डिजाइनिंग बहुत ही सुंदर लग रही है प्रॉपर ये ना पाकिस्तानी स्टाइल में है लाइक कश्मीरी पाकिस्तानी स्टाइल में वैसे सा है और ये ना मीडियम साइज में मैंने परचेज किया था आई थिंक हाँ मीडियम साइज़ में परचेज किया था बट ये मुझे ना एकदम फिटेड सा आया अगर आप एक साइज़ और अप करके लोगे ना तो ये और अच्छे से फिट आएगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मीडियम साइज ये मुझे एकदम फट फिट होकर आया है एंड पाकिस्तानी सूट्स ऐसे होते हैं थोड़ा सा लूज लूज़ रहते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको एक साइज़ अप करके लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर फिट आएगा एंड इसकी स्लीवस पे इस तरीके की डिज़ाइन दे रखी है ये ना बहुत कड़कड़ वाला जो नेट होता है ना वैसे वाला नेट है तो लाइक like उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था बट हाँ प्राइस के हिसाब से सही सही लगा इसका जो ब्रांड है वो है बॉली क्लूज आई थिंक बॉली क्लूज या ऐसा कुछ करके है ब्रांड वो मैं मैंशन कर दूंगी मीडियम इसका साइज है इसमें प्राइस वाइज कुछ मैंशन नहीं है एंड जो भी होगा ना मैं सब लिंक तो दे ही दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो जाएगा एंड पैंट का मटेरियल बहुत ही यू you नो know, प्लास्टिकी सा मटेरियल है एक पॉलिस्टर टाइप का मटेरियल है थोड़ा सा आ, सिल्क एंड पॉलिस्टर ऐसे सब मिल मिक्स करके बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं लगी समर्स के हिसाब से विंटर में तो आप इस तरीके कपड़े पहन सकते हो बट समर्स में थोड़ा गर्मी लगेगी तो वो आप देख सकते हो बट लुक वाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो वेस्ट बैंड है ना वो इलास्टिकेटेड है नीचे पैंट में ना आपको ये देखिए इस तरीके से डिटेलिंग मिल जाएगी वाइट कलर में एंड ये ना स्ट्रेट प्लाजो काइंड ऑफ पैंट है थोड़ा सा वाइड लेग पैंट्स कह सकते हैं वाइड लेग प्लाजो पैंट है इसके साथ मिल जाएगी एंड उसके बाद आपको एक सेम ऑर्गेंजा फैब्रिक में दुपट्टा भी मिल जाएगा दुपट्टे में भी आपको चिकनकारी का इस तरीके से पूरा भरा हुआ काम मिल जाएगा सो इन केस अगर आप इस तरीके से भरा भरा सा वर्क पसंद करते हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो अपने फेस्टिव सीजन के लिए इसकी क्वाल इस दुपट्टे की क्वालिटी मुझे बहुत ही प्यारी लगी सो so, ओवरऑल ये जो पूरा सूट है ना इसको आप फेस्टिव सीजन का ख्याल रखते हुए पहन सकते हो या फिर आप किसी वेडिंग आ, के थ्रू मतलब वेडिंग में पहन सकते हो बट इसको आप डेली वेयर में या फिर ऑफिस में कॉलेज में यहाँ पे स्टाइल नहीं कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है अगर आप करना चाहते तो आप डेफिनेटली कर सकते हो वो ना मटीरियल आया लाइक इसका ना क्लॉदिंग मटीरियल आया है ये बना हुआ स्टिज नहीं है आ, क्या बोलते हैं इसको सेमी स्टिज मटीरियल आया है बहुत अच्छे से पैकेजिंग होके आया है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना बना बनाया आएगा आई डोंट नो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था ऑर्डर करते टाइम बट ये अनस्टिच आया है तो हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इस पे क्या रिसीव हुआ है सबसे पहले तो ये दुपट्टा रिसीव हुआ है इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो पूरा डिटेल है इस आ, सेट का एंड ये इस तरीके से बहुत ही कड़े वाले नेट में दुपट्टा आया है तो ये दुपट्टा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये जो सूट का मटीरियल है ना लाइक कुर्ते का मटीरियल वो भी अगेन नेट पे है नेट फैब्रिक पे है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा पैटर्न दे रखा है इसका सेमी स्टिच है पूरा डिजाइन विजाइन बना हुआ है ये देखिए स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से है बहुत ही यू नो सीथ्रू है बट ओवरऑल ना मुझे ये पसंद नहीं आया मैं भी स्टिच होता तो शायद मैं देखती पहन के बट इसका जो दुपट्टे का फैब्रिक है वो बिल्कुल ही बेकार है बट इसका जो कुर्ते का मटेरियल है वो मुझे इसका फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट लगा सो बट मैं ऐसे प्रिफर नहीं करती स्टिच करवाना तो ये मुझे मतलब मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है इस वाले कपड़े का लाइक मुझे छूने पे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा बट इन केस अगर आप लोग बनवाते हो कपड़ा इस तरीके का तो आप बनवा सकते हो डेफिनेटली इसका जो कुर्ते का मटेरियल है वो मुझे सॉफ्ट लगा नीचे का आपको पैंट इस तरीके से आई थिंक ये कॉटन ब्लेंड मटेरियल में है बहुत ही टिपिकल जो सलवार सूट वाला मटेरियल होता है ना वैसे सा है एंड ये पैंट का कपड़ा आपको मिल जाएगा जो भी दो मीटर तीन मीटर जितना भी होता है आई थिंक उस हिसाब से ही आया होगा सो so कपड़े का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ और उस उतना खास मुझे लगा भी नहीं बट इन केस अगर आप लोग लेना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट जो सूट सेट था वो भी अगेन हमें मटीरियल मिला है अन सेमी स्टिच मटेरियल मिला है बट इसका मटेरियल मुझे बहुत ही अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला मैंने दिखाया आपको अंटिस्ट वाला कपड़ा उस हिसाब से ये कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा लाइक कॉटन ब्लेंड मटेरियल में इसका दुपट्टा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार लुक एट दिस कलर भी इसका बहुत ही सुंदर है ये देखिए आप इस तरीके से प्रिंट इसमें ओवरऑल पूरा दो मीटर का दुपट्टा है बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे एंड इसके साथ ना आपको ये देखिए ये है इसके आई थिंक सूट का सेट आ, कुर्ते का आ, कपड़ा कुर्ते के कपड़े में आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगी सामने के इसका जो पैटर्न है ना मैं उसको डाल दूंगी स्क्रीन पे तो आप देख सकोगे उसमें ज्यादा अच्छे से बस यहाँ पे नेक पे आई थिंक ये काम बना हुआ है ओवरऑल पूरा कॉटन मटेरियल का ये आ, कुर्ते का कपड़ा है एंड उसके बाद आपको पैंट का कपड़ा मिल जाएगा इस तरीके से प्लेन गोल्डन कलर गोल्डन येलो और मस्टर्ड कलर बोल सकते हैं हाँ मस्टर्ड कलर में ये आपको पैंट मिल जाएगा तो ये था एक कुर्ते सेट का कपड़ा है तो आप इसको स्टिच करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड मैं अगर इसको स्टिच करवाऊंगी तो आपको ट्राई ऑन करके ज़रूर दिखाऊंगी बट मुझे नहीं लगता कि मैं स्टिच करवा पाऊँगी क्योंकि मुझे स्टिच करवाने में बहुत डर लगता है लाइक टेलर से इस तरीके से मिल मिल के इसलिए मैं डी या फिर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वगैरह वीडियो नहीं बनाती हूँ अभी मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं स्टिच कपड़े जो मिलते हैं ना ऑनलाइन रेडीमेड वही मुझे पहनना पसंद है तो इस बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी बट कपड़े के हिसाब से वो मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा सो so आप लोग डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हो कुर्ता सेट तो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो है अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसमें आपको कुर्ता एंड पैंट दो मिल जाएगा ये भी आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी अगर आप लोग थोड़ा सा भरा हुआ काम चाहते हो तो इसमें भी इसका जो कुर्ता है ना वो जॉर्ज मटीरियल में है इसमें लाइनिंग भी दे रखी है चिकनकारी कारी का आपको वर्क मिल जाएगा व्हाइट कलर में और ये बहुत ही मस्त मजेंटा कलर में है ये कुर्ता एंड स्लीप्स है ना बहुत सुंदर सी डिज़ाइन दे रखी है लेंथ भी इसकी बहुत ही परफेक्ट है पहनने में बहुत सुंदर लगता है लुक एट द कलर कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है सो फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट होगा वेडिंग वेयर वेडिंग वेयर भी आप इसको बोल सकते हो बहुत ही अच्छा लगेगा वेडिंग के टाइम पे अगर आप इसको अच्छे से स्टाइल करते हो एंड इसमें भी आपको थोड़ी सी गर्मी लग सकती है बट वेडिंग वगैरह में तो यार चलता है इतना थोड़ा सा इसका जो पैंट है वो पॉलिएस्टर मटेरियल में है नीचे से आपको थोड़ी सी इस तरीके से सरी डिटेलिंग दे रखी है नेट की जो कि इसका लुक बहुत ही अच्छा बना देती है इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं आया है पहनने पे यह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था सो so अगेन ये फेस्टिव वेयर है या फिर वेडिंग वेयर में आप इसको कंसीडर कर सकते हो इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये कुर्ता सेट जो कि मैं पहन के बैठी हूँ और ये ना कॉटन मटीरियल में है इतना ज्यादा सॉफ्ट है इतना ज्यादा कंफर्टेबल है ना इतने देर से मैं इसको पहन के बैठी हूँ पूरा का पूरा कुर्ता सेट नीचे पैंट भी मैंने पहना है और ये कुर्ता भी पहना है इसका जो डिजाइन है ना स्लीव्स की ये बहुत ही प्यारी है यहाँ से आप देखो थोड़ा बहुत दिख सकता होगा अगर आपको तो यहाँ पे ना क्रोसे की डिटेलिंग भी दे रखी है यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर है इसका जो पैंट है ना उसकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है पूरा यू नो स्ट्रेट फिट कुर्ता है इसका प्रिंट इसमें बहुत ही सुंदर है लाइक बहुत ही सटल कलर्स हैं इसमें पेस्टल कलर्स एंड पहनने पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसके साथ दुपट्टा मिल जाएगा और गिंजा फैब्रिक में इसका दुपट्टा है एंड ओवरऑल इसका जो लुक है ना बहुत ही सुंदर लगेगा लाइक एक ये और एक जो पिंक वाला कुर्ता है उसका जो पैटर्न है ना सिमिलर ही है थोड़ा बहुत स्लीवस में और कपड़ों में थोड़ा डिफरेंस है लाइक ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कॉटन ब्लेंड मटेरियल है और जो पिंक वाला है ना वो प्योर कॉटन में है तो ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आए आज के हॉल में जो सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट है वो है वो ब्लैक वाला कुर्ता सेट अफगानी वाला एंड नेक्स्ट जो मैंने ये पहन रखा है एंड जो सबसे पहले मैंने पिंक वाला दिखाया था वो तीनों तो मेरे सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसके बाद जो सेकेंड सेकेंड मतलब ज़्यादा पसंद आए हैं वो है वो पर्पल वाला एंड जो ब्लैक कलर का जो फेस्टिव लुक्स था

सब जगह फॉलो कर दो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके भी मिल जाएंगे, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो ऑल्सो आप लोग मेरे चैनल पर जाके यार ढेर सारी वीडियोज देख सकते हो हॉल्स वगैरह सो यस कमेंट जरूर करना मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर